इस टाइम पंजाब में दो किस्म की राजनीति चल रही है। एक वो पार्टियां हैं जो केवल और केवल गंदी राजनीति कर रही हैं, भ्रष्टाचार कर रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, और दूसरी आम आदमी पार्टी है जो लोगों के सामने पंजाब के विकास का और भविष्य का एजेंडा लेके आई है और पूरी प्लानिंग कर रही है। हमें भ्रष्टाचार करना नहीं आता, हमें गाली गलौज करनी नहीं आती, हमें गंदी राजनीति करनी नहीं आती, हमें काम करना आता है, हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है। तो अभी तक मैं इतनी बार पंजाब आया, भगवंत मान जी के साथ मैंने लंबी लंबी मीटिंग्स करी, हम दोनों कई लोगों से मिले, व्यापारियों से मिले, हम दोनों मिलके किसानों से मिले, हमने अलग अलग तबके को अलग अलग गारंटियाँ दी हैं कि आने वाले पंजाब के अंदर उस तबके को कैसे विकास किया जाएगा। पंजाब में 26 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल बादल परिवार ने राज किया, तो उन्होंने तो जो करना था कर लिया। अब 26 साल जब कांग्रेस ने राज कर लिया तो उनको और 5 साल देने से तो कोई फायदा नहीं, उन्होंने कुछ अब नया तो करना नहीं है, जो करना था कर लिया। 19 साल जब बादल परिवार ने राज कर लिया तो उनको और कुछ देने से तो कोई फायदा नहीं, 5 साल और खराब होंगे। आम आदमी पार्टी इतना शानदार एजेंडा लेके आई है जो कि जनता को पसंद आ रहा है, एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, अच्छी पार्टी है, तो 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी एक मौका मांग रही है। हमें शहर के कई लोगों ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी आपने सभी को गारंटी दी, शहर के बारे में आप कुछ नहीं बोले। और पंजाब में कई अच्छे अच्छे शहर हैं, अमृतसर है, लुधियाना है, जलंधर है, पठानकोट है, कई सारे, बठिंडा है, बहुत सारे शहर हैं। तो शहरों को लेके आज 10 गारंटी, 10 पॉइंट गारंटी हम लेके आए हैं। सबसे पहले साफ़ सफाई, पंजाब में शहरों की सफाई की हालत बहुत ख़राब है, चारों तरफ गंदगी है। पंजाब के शहरों को साफ सुथरा, शानदार, अच्छा, सुंदर बनाएंगे। जब मैं सफाई की बात करता हूँ तो उसमें सीवर भी आता है, उसमें गार्बेज डिस्पोजल भी आता है, और उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है। इन सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। दूसरा है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ये दिल्ली में हमने किया। आप जब सरकारी दफ्तर में जाते हो कोई काम कराने के लिए, तो आप फॉर्म भरते हो, लाइन में लगते हो, आपका नंबर आता है, तो वो बाबू बैठा हुआ 2 ऑब्जेक्शन लगा देता है। आप फिर घर आते हो, ऑब्जेक्शन दूर करते हो, फिर लाइन में लगते हो, छुट्टी लेके जाते हो, दूसरी छुट्टी लेते हो, फिर वो 2 ऑब्जेक्शन लगा देता है। फिर हार के आदमी दलाल को पकड़ता है, कहता है यार पैसे ले, मेरा काम करो। दिल्ली में हमने सरकारी दफ्तर बंद करते जा रहे हैं। अब आपको सरकारी दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमने एक नंबर जारी किया है 1076, आप लोग दिल्ली जाओ तो दिल्ली में फ़ोन करके देख लेना इस नंबर पे। उस पे अगर आप फ़ोन करो तो आपसे पूछते हैं कि जी आपको सरकार में क्या काम कराना है, तो आप कहते हो मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, तो वहाँ से कहा जाता है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए ये कागज़ तैयार कर लो। फिर वो पूछता है जी कब तक तैयार हो जाएंगे आपके कागज़, हम आपके घर कब आएँ। मतलब कि दिल्ली सरकार का अफसर पूछ रहा है कि आपके घर आपका राशन कार्ड बनाने कब आए। मान लो आप कहते हो कि जी मैं तो दफ्तर जाता हूँ, लेट आता हूँ, रात को 11 बजे आना मेरे घर, तो रात को 11 बजे दिल्ली सरकार का एक ऑफिसर आपके घर आपका राशन कार्ड बनवाने आता है। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी दफ्तर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, वो एक स्कैनर लेके आता है, जितने आपके कागज है वो स्कैनिंग करके वो कागज ले जाता है, और आपका राशन कार्ड हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाता है। कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, कोई किसी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, दलाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, साफ सुथरा सिस्टम है। और अब हमने जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसके तो सारे दफ्तरों के ऊपर ताला लगा दिया, अब जनता को आने की जरूरत नहीं है। वही जैसे दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में भी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू करेंगे। तीसरी चीज, कई
शहरों के अंदर कई कॉलोनियां ऐसी हैं, इलाके ऐसे हैं, मार्केट ऐसी हैं जहाँ तारें लटकी पड़ी हैं, बड़े उनके जंजाल बने पड़े हैं तारों के, वो सेफ्टी के लिए भी एक खतरा है और खूबसूरती के लिए भी, मतलब गंदे लगते हैं वो। तो दिल्ली में पिछले बजट में हमने ये ख़त्म करने का बजट अलग से रखा है। दिल्ली में भी चांदनी चौक है और ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ तारे ही तारे हैं, उनको सबको अंडरग्राउंड कर रहे हैं। तो पंजाब में भी ऐसे तारों को सबको अंडरग्राउंड करेंगे। चौथा है, पंजाब के शहरों में जितने हॉस्पिटल हैं सरकारी, उन हॉस्पिटल्स को अच्छा करेंगे और दिल्ली की तर्ज पे हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। जैसे दिल्ली में अस्पताल अच्छे किए, ऐसे पंजाब के अंदर सरकारी अस्पताल इतने अच्छे करेंगे कि अगर आप कोई बीमार होता है तो आपको फिर मैक्स, फोर्टिस, अपोलो जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सरकारी अस्पताल में जाना, आपका सारा इलाज मुफ्त होगा। पांचवा, जैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे करे, ऐसे शहरों में जितने सरकारी स्कूल हैं वो सरकारी स्कूल इतने अच्छे करेंगे कि जैसे दिल्ली में अब मिडिल क्लास के लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेज रहे हैं, आपको भी अब महंगी महंगी फीस दे के प्राइवेट स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है, पंजाब में भी आप लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज सकेंगे। छठा, 24 घंटे बिजली करेंगे। पावर कट लगते हैं पंजाब के अंदर, पहले दिल्ली में भी लगते थे पावर कट, दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। सातवां, 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे। पानी, पीने के पानी की पंजाब के कई शहरों में समस्या है, तो पीने के पानी का 24 घंटे इंतजाम करेंगे। आठवां, मेरे पास कई व्यापारी आए, उन्होंने कहा जी रोज़ आप पंजाब आते हो, कभी कहते हो बिजली फ्री करेंगे, कभी कहते हो 1000 रुपये देंगे, कभी कहते हो हम ये करेंगे। बोले हमको तो ये लग रहा है आपकी सरकार बन गई तो टैक्स खूब बढ़ेंगे। हमने 7 साल में दिल्ली में एक नए पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाया। तो मैं और भगवंत मान जी यहाँ बैठे हैं, हम दोनों आपको आश्वासन देते हैं दिल्ली के सभी व्यापारियों को कि अगले 5 साल पंजाब के अंदर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे और कोई टैक्स नहीं बढ़ाने वाले, व्यापारी इसके बारे में निश्चिंत रहें। नौवां, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाएं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, बलात्कार की और महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। दिल्ली के अंदर हमने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क लगाया और इतने हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए 5 साल में कि आज पूरी दुनिया में दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क सबसे ज़्यादा है, न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा है, वाशिंगटन से भी, लंदन से भी, सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क आज दिल्ली के अंदर है पूरी दुनिया में। पंजाब में भी जगह जगह चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे ताकि क्राइम की सिचुएशन इम्प्रूव हो, अपराध कम हो, महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो। और दसवां आखिरी पॉइंट कि जो मार्केट्स हैं पंजाब के शहरों में, उन मार्केट्स के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, टॉयलेट की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, पार्किंग की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो इन सभी मार्केट्स को डेवलप किया जाएगा और ये सभी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो शहर के लोग हैं वो इन सब बातों से सहमत होंगे और मैं समझता हूँ अगर कोई पॉइंट रह गया तो, और जब हम शहर के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो और पॉइंट्स भी आ जाएंगे। इशू ये नहीं है कि मैं आपको क्या मानता हूँ, मैं इनको क्या मानता हूँ और मैं इनको क्या मानता हूँ। हमारे देश में कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके ऊपर चार्जशीट, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, उस FIR के आधार के ऊपर उनको एंटीसिपेटरी बेल भी डिनाई हो रही है। मैं समझता हूँ कानूनी प्रक्रिया चलेगी और अपराध करने वालों को सजा मिलेगी। तो मैंने उनको, प्रगट जी को उनको गिरफ्तार करने से तो मना नहीं किया, मेरे माफ़ी मांगने का गिरफ्तारी से इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अगली बार आप जब प्रगट जी से बात करो उनको कहना आज़ादी के बाद से लेके आज तक 75 साल में ये कन्वेंशन है, रिटर्न लॉ तो नहीं है, कन्वेंशन है कि लोअर कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल जैसे ही रिजेक्ट होती है शाम तक गिरफ्तारी हो जाती है, इन लोगों ने उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की। आप हमें वोट दो, सरकार बनाओ और फिर देखना कार्रवाई कैसे होती है। भुल्लर साहब की देखिए जी, ऐसा है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसके ऊपर अकाली दल वाले गंदी राजनीति कर रहे हैं,
ऐसे मामलों पे गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। दिल्ली को, दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार, दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, दिल्ली हाफ स्टेट है, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस दिल्ली सरकार के तहत नहीं आती, केंद्र सरकार के तहत आती है, एलजी साहब के तहत आती है। इसकी प्रक्रिया मैं बता देता हूँ, ये पूरा मामला मेरे को पहले पता नहीं था, मुख्यमंत्री तक कई बातें नहीं पहुँचती, लेकिन जब मैं 2-3 बार आया और ये लोगों ने बात की तो मेरे को पता चला, मैंने सारा पता किया है। ये मामला एक कमेटी है, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड, SRB, SRB के अंदर जज भी होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, वो एक कई लोगों की कमेटी होती है। तो जितने भी मामले सज़ा कम करने के, किसी की रिहाई के या सज़ा माफ़ करने के होते हैं, वो सारे मामले इस कमेटी के सामने आते हैं। ये कमेटी अपनी डेलिब्रेशंस करके वो निर्णय देती है, इसमें जैसे मैंने बताया जज भी होते हैं, इसमें मेरी कुछ नहीं चलती। उस कमेटी को फैसला लेने के बाद ये फाइल सीधे LG साहब के पास जाएगी, LG साहब ने इस पर फाइनल निर्णय लेना होता है। अब ये इशू ये है, मेरा जो अब मेरे हाथ में जो है, मैंने जब मेरे को पता चला, मैंने होम सेक्रेटरी को फ़ोन करके बोला है कि भाई इस कमेटी की तुरंत मीटिंग कराओ, जल्दी से जल्दी जो हो सकता है मीटिंग कराओ। आजकल कोरोना भी बहुत फैला हुआ, किस बताया एक आध को मेंबर को कोरोना, लेकिन मैंने कहा जो भी है जितनी जल्दी से जल्दी मीटिंग करा के, और जो भी निर्णय होता है इस कमेटी का वो निर्णय तुरंत LG साहब के पास पुटअप करो, तो जो भी निर्णय होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा।